प्रोफेसर वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या लेवल होने वाला है कल के दिन में 19 अक्टूबर के लिए। ठीक है, यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। पहले एक देखना चालू करेंगे, ये निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, ये आ गए हम डेली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर देखते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कल का यहाँ पर एक एनालिसिस मैंने किया हुआ था। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर 850 के आसपास का लेवल्स आ रहा है। इस लेवल के ऊपर क्या होगा, मार्केट यहाँ पे अपना ट्रेंड एक डिसाइड करेगी जो कि बुलिश साइड होगा। ठीक है, इसका टारगेट भी यहाँ पे काफी ऊपर यहाँ पे आ रहा है ये वाला पॉइंट। लेकिन एक पॉइंट और भी बोला गया था, अगर इसको यहाँ पर मार्केट अगर इसके ऊपर नहीं जाती है तो समझिए फिर क्या है, मार्केट में एक सेलिंग पॉइंट यहाँ पे बड़ी कैंडल आनी चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि मार्केट देखो यहाँ से सेलिंग में आया हुआ है, फिर यहाँ से भी सेलिंग में आया हुआ है। तो यहाँ पर भी एक था कि चलो 850 के नीचे अगर मार्केट रहता है तो ज्यादा चांस है क्या कि मार्केट डाउन साइड रहने का ज्यादा ज्यादा प्रयास करेगा। तो यहाँ पर एक और भी पैटर्न यहाँ पे ऑब्जर्व किया हुआ है, पैटर्न जो कि मैंने कल बताया हुआ था। भैया देखिए ये वाला पैटर्न यहाँ पे चल सकता है जो कि यहाँ पर करीब करीब देखेंगे तो एक्टिवेट मानेंगे तो हो चुका है। ठीक है, क्लोजिंग कितने पाया है तो 671 पे क्लोजिंग हुआ है। अगर यही समझिए कि कैंडल का क्लोजिंग आता है इसके नीचे तो बहुत ही अच्छा समझिए, यहाँ पर एक ना क्लियर होता कि चलो मार्केट क्या है इसके नीचे भी एक थोड़ा सा क्या है, ये सपोर्ट है छोटा सा, लेकिन कल के दिन में अगर निकलता है इसके नीचे तो समझिए आप एक बड़ा सा आपको जगह मिलेगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे 19,500 का लेवल आप देख रहे हैं ना, निफ्टी यहाँ पे टच कर सकती है अगर कल ये वाला लेवल अगर ब्रेक करती है तो। यहाँ पर ये चीज क्लियर हो गया, चलिए अभी देखने का ट्राई करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करेंगे, ये वाला ट्रेंड लाइन ऐसे करके ड्रॉ करेंगे, देखिए क्या है आज के दिन में। आज के दिन में देखेंगे तो निफ्टी ने यहाँ पर इस वाले ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया हुआ है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा चांस क्या है यहाँ बनने का, सीधा का सीधा ये बेरिश फ्लैग एंड पुल पैटर्न यहाँ पे बन सकता है जिसका कि टारगेट काफी बड़ा नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर हम बस ये देखेंगे कि सेलिंग प्रेशर यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है डाउन साइड में। अगर मार्केट कल गैप डाउन भी ओपन हो सकता है, ठीक है, अगर मार्केट इसी जगह पे ओपन होगा तो क्या करना है, चलिए लेवल से ऊपर बात करते हैं। लेकिन क्लियर दिख रहा है यहाँ पे कि बेरिश फ्लैग एंड पुल पैटर्न यहाँ पे एक्टिवेट निफ्टी में हो चुका है। चलिए अब चलते हैं, पहले तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में समझते हैं अब अपने सारे लेवल्स को कि इंट्राडे में हम क्या कर सकते हैं। तो इंट्राडे में प्ले करने के लिए आपको सबसे पहले चार्ट को छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, सारे लेवल्स यहाँ पे देखना पड़ेगा, कहाँ पर क्या चीजें कैसे कैसे चार्ट पर चल रही हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, 650 का लेवल जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ये वाला पॉइंट, यहाँ पर एक लेवल्स मैं ड्रॉ करूंगा। फिर उसके बाद में एक लेवल्स हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, उसके बाद में एक लेवल्स हम यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं। ठीक है, ये लेवल्स हैं डाउन साइड के। अप साइड के लेवल्स की बात करेंगे तो यहाँ पर एक लेवल ड्रॉ करेंगे, मार्केट यहाँ से ऊपर गया है फिर यहीं से देखेंगे थोड़ा सेलिंग है, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे कंसीडर करेंगे। उसके बाद में ये वाला पॉइंट यहाँ पे कंसीडर करेंगे। ये पॉइंट सारे सारे कंसीडर करने के बाद में आप देखेंगे निफ्टी में आज के दिन में क्या हुआ है, सीधा का सीधा सेलिंग हुआ है और ये देखेंगे यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, ये वाला ट्रेंड लाइन का ड्रॉ करेंगे ऐसे करके, तो डाउन ट्रेंड में निफ्टी यहाँ से ऊपर से सीधा डाउन में मतलब चल रही है, मतलब सेलिंग प्रेशर यहाँ पे तगड़ा वाला है जो कि हम लोगों ने डेली टाइम फ्रेम पे देख चुका है। यहाँ पर फिर एक और लेवल ड्रॉ करेंगे ऊपर साइड में, तो ये वाला यहाँ पे लेवल्स ऐसे करके आपके सामने यहाँ पर ड्रॉ हो रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा नीचे का लेवल्स हम जानबूझ के ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि ना मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होगा तो हमें से बहुत समझिए कि सतर्क होकर काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 19,400 कितने का लेवल है, यहाँ पे 19,500 का लेवल, राउंड लेवल पकड़ेंगे तो 19,500 का लेवल है ये यहाँ पे डाउन साइड में, ये वाला लेवल से यहाँ पे है। उसके बाद में देखेंगे 19,564 का लेवल यहाँ पे है, तो 19,564 का लेवल यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे तो यहाँ पर 19,650 का लेवल, इसको मानेंगे राउंड लेवल। ठीक है, 19,650 इसके नीचे तो भाई पक्का चीज है, यहाँ पे देखो सेलिंग प्रेशर यहाँ बढ़ जाएगा। ठीक है, 650 का लेवल याद रखना, ये लेवल भूलना नहीं है, इसके नीचे एक अच्छा मूव मिलेगा 19,699। राउंड लेवल को पकड़ लेते हैं, 19,700 का ही लेवल पकड़ लेते हैं। ठीक है, देखो पॉइंट थोड़ा है, एक दो पॉइंट ऊपर नीचे आप कर सकते हैं क्योंकि यहां से बाइंग आई है तो यहाँ पे हम इसी लेवल को कंसिडर कर रहे हैं, इस वाले बाइंग को देख करके। ठीक है, और उसके बाद में ऊपर में देखेंगे एक सेलिंग यहाँ पे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर यहीं से सेल हो गया, एक पॉइंट यहाँ पे बन जाएगा जो कि पॉइंट आ रहा है 19,760 का, 760 का लेवल्स यहाँ पे है।
फिर उसके बाद में ऊपर अगर देखेंगे हम तो 19,840, 19,840 का लेवल यहाँ पे हम अब मानेंगे, ठीक है। 800 का लेवल था लेकिन अब यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे है तो सीधा क्या करना, सेलिंग कर देना है। सेलिंग पॉइंट ये आपको ध्यान में रखना है, सेल कर देंगे पॉइंट सीधा, आपको यहाँ पे टारगेट ये मिलने वाला है, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगर देखिए मार्केट अगर डाउन साइड में ओपन होता, ठीक है, मान लीजिए गैप डाउन ओपन हो गया, जैसे यहाँ पर 19,500 के लेवल पे अगर मार्केट ओपन होता है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, कैंडल का वेट करेंगे। यहाँ पे अगर कोई बुलिश कैंडल बन जाती है, ठीक है, यहाँ पे कोई अगर बुलिश कैंडल बन जाती है, उसी कैंडल का लो का एसएल रख करके यहाँ पर बाई करेंगे, एक प्रॉफिट बुकिंग में आपको टारगेट ये मिल सकता है, ठीक है। ये लेवल अगर ब्रेक करेगा तो यहाँ पर मार्केट में आपको लेवल 650 का देखने को मिलेगा। उसके बाद में अगर मार्केट ऊपर ओपन होता क्या करना है, जैसे मान लीजिए अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है थोड़ा टाइम, अगर इसके ऊपर सस्टेंस करता है, ठीक है, तो यहाँ पर एक कैंडल बुलिश देख करके बाई करेंगे। पहली कैंडल में बाई करने का कोशिश मत करना, हो सकता है मार्केट यहाँ पे नीचे आ जाए, ठीक है। अगर नीचे आती है कैंडल यहाँ पे तो आपको समझ रखना है कि ये छोटे छोटे पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे छोटा पॉइंट है, यहाँ पे छोटा पॉइंट है, तो यहाँ पे हम ज्यादा मतलब ऑप्शन कंसिडर नहीं करने वाले हैं। लेकिन बस एक चीज करेंगे, अगर मार्केट यहाँ पर ऊपर ओपन होता है, ठीक है, यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई मार्केट थोड़ा टाइम सस्टेंस करके ऊपर निकलता तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाई करेंगे, जो कि हमारा स्टॉप लॉस 19,760 का होगा। और उसके बाद में अगर मार्केट यहाँ पर ऊपर ओपन होता है, अगर इसको ब्रेक करता है यहाँ पे, ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे सेल करेंगे, पुट में यहाँ पे काम कर सकते हैं, जो कि इसका टारगेट रहेगा 19,760 का। तो यहाँ पर मार्केट समझिए यहाँ पर ओपन होना है, क्या करना बता दिया गया है, गैप डाउन ओपन होगा तो क्या करना बता दिया गया है, अगर गैप अप ओपन होता है तो क्या करना बता दिया गया है। इस वाले के जगह बिना ऑप्शन में काम करेंगे तो मार्केट क्या सीधा रेंज में, ठीक है, यहाँ पे पैसा कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन हाँ अगर आप फ्यूचर करते हैं तो जरूर आपको यहाँ पे 20-30 पॉइंट आराम से मिल जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी का, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में आते हैं फ्यूचर के चार्ट में, यहाँ पर तो फ्यूचर के चार्ट में आते हैं भैया, पहले डेली टाइम फ्रेम पे समझते हैं, डेली टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है यहाँ पे बैंक निफ्टी में। चलिए तो देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रेंड लाइन को देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ऐसे करके मार्केट क्या है इस वाले पॉइंट में, यहाँ से मार्केट क्या है नीचे आया है, ठीक है, फिर मार्केट ऊपर गया, यहाँ पर डोजी टाइप बना हुआ है, फिर मार्केट क्या है ऐसे नीचे, आप देख रहे हैं मार्केट में क्या है, बड़ी कैंडल नीचे आई है, ठीक है। यहाँ पर भी सेलिंग प्रेशर हो सकता है, कौन सा पॉइंट होगा वो जिसके नीचे अच्छा सेलिंग मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर 44,000 का लेवल अगर हम मान चलेंगे तो 44,000 का लेवल जी बिल्कुल, ठीक है, 44 राउंड लेवल अगर मानेंगे तो यहाँ पे 44,000 का लेवल आ रहा है हमारे पास में, तो 44,000 के नीचे समझिए सेलिंग प्रेशर यहाँ पे हो जाएगा, जो कि मार्केट मतलब यहाँ पे ना सेलिंग मोड में आएगा, तो नीचे समझिए आपको जगह मिल रहा है करीब करीब इतने पॉइंट का, मतलब यहाँ पे देखेंगे तो काफी अच्छा जगह है मार्केट में। इसके नीचे अगर मार्केट ब्रेक करता है कल के दिन में बैंक निफ्टी तो सीधा नीचे आएगा। अब और दूसरी बात क्या है, मार्केट सीधा देखेंगे यहाँ पे बहुत बड़ी कैंडल बनाई आज के दिन में, ठीक है, इतनी बड़ी कैंडल आप इसमें देख नहीं रहे हैं, कोई भी इस वाले रेंज में कोई भी इतनी बड़ी कैंडल अभी तक आई नहीं है, जो कि डाउन साइड में आई हो, ठीक है। यहाँ पे देखना है, यहाँ पर बस यही बड़ी कैंडल एक आई है। अगर देखेंगे ऊपर में यहाँ पे तो यहाँ पर एक बड़ी कैंडल आई थी, जो कि ये ट्रेंड मतलब कंटिन्यू की थी, जो कि नीचे आया हुआ है, तो बस यहाँ पर भी कैंडल है, बस क्या है ये 44,000 के नीचे में आना चाहिए, बस उसके नीचे क्या है सेलिंग प्रेशर एक यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। चलिए अब आते हैं इसको समझते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कैसे हमें समझना है। दोनों इंडेक्स में थोड़ा सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, ठीक है, तो चलते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे समझने का ट्राई करते हैं कि हम किस तरीके से काम कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो चार्ट को पहले छोटा करेंगे, ठीक है, जितना छोटा चार्ट करेंगे उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, अच्छे तरीके से मार्केट में हम ऑब्जर्व करेंगे। ये वाला पॉइंट देखिए, ठीक है, यहाँ पर ये वाला पॉइंट जो बताया जा रहा है 44,000 का लेवल, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे मार्केट क्या है अभी होल्ड कर रहा है, ठीक है, बैंक निफ्टी। तो एक लेवल यहाँ बन जाएगा, दूसरा लेवल हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ये एरिया जो है ये एरिया सिर्फ किस चीज का है, बस मार्केट यहाँ पे रेंज में है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मार्केट थोड़ा वेट किया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन जाएगा, उसके बाद में एक यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, और ऊपर से सेलिंग आया है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऊपर के हो गए। अब थोड़ा नीचे के पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, कौन कौन से नीचे के पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे लो में ये हम लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, और इसके नीचे अगर मार्केट निकलती है तो समझिए ये वाला पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा टारगेट के रूप में। चलिए यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से यहाँ पे लेवल्स हैं जो कि बैंक निफ्टी में थोड़ा काम यहाँ पे हो सकता है डाउन साइड में। तो सबसे बड़ा लेवल्स यहाँ पे 44,000 का है, ठीक है, ये वाला पॉइंट याद रखना है 44,000 का, इसको ध्यान रखना है अपने हमेशा। और 43,940 का पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे पॉइंट आ रहा है
43,878। चलो राउंड लेवल 880 मानते हैं यहाँ पे। और उसके बाद में यहाँ पे जो एक देख रहे हैं मार्केट यहाँ से क्या है रेंज में, यहाँ से बार बार ऊपर जाकर के नीचे आ रही है, बार बार ऊपर जाकर नीचे, तो 44,136 का लेवल यहाँ पे मानेंगे इसको, यहाँ पर ये वाला पॉइंट। देखिए ये फ्यूचर का चार्ट है, ठीक है, आप जाकर के स्पोर्ट चार्ट में मत देखना, फ्यूचर का चार्ट है ये। 44,237 यहाँ पे ये वाला प्राइस, और उसके ऊपर 44,350 का लेवल्स ये वाला। चलो ये लेवल सारे यहाँ पे आपके सामने ड्रॉ हो चुके हैं, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। देखो मार्केट अगर यहीं पर ओपन होता है, ठीक है, अगर मार्केट में कल के दिन में अगर यहीं पर ओपन होता है 44,000 के पास में, वेट करना यहाँ पे थोड़ा टाइम, जैसे मार्केट अगर यहाँ से कोई बुलिश कैंडल अगर बनाती है, ठीक है, तभी आप बाई यहाँ पे करना। अगर मार्केट यहाँ पे डाउन साइड में आता है, ठीक है, तो क्या करेंगे, पुट में एंट्री बनाएंगे, पहला टारगेट आपको यही मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर 43,940 का। सेकेंड टारगेट आपको ये मिलने वाला है, ठीक है, 43,880 का लेवल से यहाँ पे मिलेगा। थोड़ा सा और अगर नीचे ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, जगह अगर देखना चाहेंगे नीचे साइड में, तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से काफी नीचे जगह अभी है, तो यहाँ पर हम समझिए कि जो एक लेवल है ना 43,800 का, ठीक है, यहाँ नीचे तक आ सकता है 80 पॉइंट का, और इसके नीचे है जगह 43,800 के नीचे 80 पॉइंट का और जगह है। तो यहाँ पर क्या करना है हमें, ठीक है, देखो ध्यान से, मार्केट अगर यहाँ पर ओपन होता है, ठीक है, पहली कैंडल में यहाँ पर बुलिश बनेगा, आप यहाँ पे बाई करेंगे इस वाले पॉइंट पे। अगर यहाँ पे कैंडल ऊपर ओपन होता है, तो आपको बताया गया है यहाँ पर मार्केट अगर होल्ड करता है इसी पॉइंट से, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक एंट्री बनाएंगे, जो कि कैंडल का लो स्टॉप लॉस लगा करके आप यहाँ पे एंट्री बनाएंगे, तो आपको टारगेट समझिए ये मिलने वाला है, जो कि 44,136 का है। अगर मान लीजिए मार्केट बहुत गैप अप ओपन होता है, ठीक है, मान लीजिए मार्केट अगर यहाँ पे ओपन होता है, तो ध्यान रखना ये ऊपर का जो पॉइंट है, ठीक है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, क्यों, क्योंकि यहाँ से सेलिंग देखो आया है तगड़ा वाला, ठीक है, तो ये पॉइंट ऐसे इतना ईजी क्रॉस नहीं होने वाला है यहाँ पे। थोड़ा टाइम मार्केट अगर यहाँ पे वेट करके अगर इसको ब्रेक करता है, तो यहाँ पर ही बाई बन सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मार्केट वेट करके जाना चाहिए, ऐसे डायरेक्ट नहीं जाना चाहिए, डायरेक्ट जाएगा समझिए तो क्या है, ट्रैप हो सकता है। थोड़ा टाइम मार्केट अगर वेट करे, तो बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे बनेगा इसके ऊपर जाने के लिए। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, अगर कैंडल कोई नीचे आती है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर सेल में हम जा सकते हैं, इस लेवल को ब्रेक करते ही टारगेट आपको ये मिलेगा, ठीक है, ये मिलने वाला। अगर मार्केट मान लीजिए गैप अप यहाँ ओपन होता है, 44,233 के आसपास में ऊपर ओपन होता है, तो यहाँ पर हम थोड़ा वेट करेंगे, ठीक है, अगर कैंडल यहाँ पे सस्टेंस करती है ऊपर में, तो हम एक कॉल में यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। अगर मान लीजिए मार्केट इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे हम सेल में जाएंगे इसी कैंडल के स्टॉप लॉस से, टारगेट इसी का 1:1, 1:2 कैंडल का लेंगे, ठीक है, नीचे में टारगेट जो पड़ा हुआ है 44,136 का पड़ा हुआ है। अगर मान लीजिए अचानक कैंडल यहाँ ऊपर ओपन होकर के अगर कैंडल यहाँ क्लोज कर देती है, ठीक है, तो क्या करेंगे आप, एक चीज करेंगे, इस कैंडल का हाफ कैसल लगा करके इस टारगेट के लिए यहाँ पे बैठ सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सिचुएशन दिख रहा है, क्योंकि कैंडल मार्केट यहाँ थोड़ा बड़ा बना हुआ है, इसलिए अगर बड़ी कैंडल यहाँ पे आती है, तो ये वाला फंडा यूज होगा, जो कैंडल का हाफ कैसल होगा, ठीक है, टारगेट आपको 44,000 का यहाँ पे जो है ये आपको मिल सकता है। आज जो वीडियो अच्छा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर मिलता है इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।